इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और आईएनएन 7 में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का जारी, अब 100-200 पॉजिटिव आना रोजमर्रा की बात बनती जा रही है। आज फिर बेलगाम जिला में 315 पॉजिटिव पाए गए, 150 डिस्चार्ज भी हुए। आज भी कोरोना मरीजों के मौतों के आंकड़े काफी रहे। आखिर कब होगा कोरोना का इम्तिहान खत्म, ऐसा सवाल आवाम के सामने खड़ा है। जान बच जाए, दो वक्त की रोटी जुटाए या अस्पताल का बिल चुकाए, आखिर करे तो क्या करे। मौत सस्ती और जिंदगी महंगी होती जा रही है। आज भी कई अस्पताल मरीजों को दाखिल करने से गुरेज कर रहे हैं। हुकूमत के गाइडलाइन तो बतौर ऐलान ही आवाम को दिए जाते हैं, पर कोई किसी का नहीं सुनने को तैयार, पर कोई किसी का नहीं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। मानो पूरी दुनिया अनजान लग रही है। किसी अस्पताल में जाओ तो बिल्कुल अजनबी जैसा मामला किया जा रहा है। बेबस मरीज को लिए दर दर भटकते घर वालों का सुनने के लिए सारे बहरे बने हुए। कई मरीजों ने तो अस्पताल के दरवाजे पर ही जान छोड़ दी। किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, बेटा, चाचा, बुजुर्ग, पर अस्पताल वालों को किसी की परवाह नहीं, ऐसा आवाम का जहन बनता जा रहा है। अक्सर लोगों के नसीब में मायूसी आई, अपने को खोने का गम दर्द, अब दूसरे क्या जाने। जिंदगी इतनी भी बेबस हो जाती है, इसका अंदाजा कोरोना के दौर में ही आया। जिन्हें पॉजिटिव नहीं आया वो एक तरह से खुशकिस्मत ही मान लो। कईयों ने कहा कि खुदा किसी को ऐसी मौत ना दे, घुस्ल ना, जनाजे की नमाज ना, रिश्तेदार, शायद ऐसा दौर कभी किसी ने ना देखा होगा। एक ही घर में चार चार मौतें, क्या मंजर होगा। सिर्फ तसव्वुर करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह किसी दुश्मन को भी मौत ना दे, ऐसे जुमले कईयों के जबान से सुनने को। खैर, इस खुशखबरी की इत्तला भी आम होती जा रही है कि अब कोरोना की वैक्सीन रशिया ने इजाद की है। अब इसके दाम क्या होंगे इसका ऐलान नहीं किया गया, पर आज भी दुनिया के तकरीबन 28 मुल्क कोरोना की दवा बना रहे। रशिया की दवा को चीन ने और WHO ने तस्लीम नहीं किया हुआ है। अब आखिर कोरोना के आड़ में दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करने का काम भी कुछ मुल्क कर रहे हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जल्द बाजार में लाने का ऐलान किया, तो चीन WHO अपनी दवा इससे पहले लाने की कोशिश में लगे। वाजह रहे कि जब से कोरोना का दौर जारी है, अमेरिका चीन अख्तलाफात में भी इजाफा होता जा रहा है। जाहिर है भारत अमेरिका की तरफ अपनी हिमायत वाजह कर चुका है। 20 मुल्कों ने रशिया को कोरोना की दवा की मांग की है, पर जब हर कोई कोरोना के आड़ में कारोबार करना चाहता है तो शुरुआत में महंगी जरूर होगी, पर क्या महंगी दवा भारत जैसे मुल्क के हर शहरी के खरीदने की कुवत में होगी, यह भी सोचने की बात है। क्योंकि हुकूमत तो सिर्फ करोड़ों के ऐलान करती है, ऐसा आवाम करता है। बेंगलोर फसाद के मद्देनजर भाजपा लीडर अपनी सियासत करना शुरू कर चुके हैं। फसाद के लिए SDPI को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। बेलगाम के मरकजी वजीर सुरेश अंगड़ी ने आज अपना बयान दर्ज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर तौहीन आमस पोस्ट पर इतना फसाद बर्पा करने वाले देशद्रोही हैं और इन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि फसाद करने वाले गद्दार है और साजिश के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा है। अब भाजपा वालों की पुरानी आदत है कि किसी समाज के खिलाफ बोलकर सियासी मुफाद हासिल कर इन्हें मखसूस समाज को गालियां देना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम इन सियासी लीडरों को पूछना चाहते हैं कि क्या किसी धर्म के नबी पर तौहीन आमोस अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त है। एहतजाज करने वालों को देशद्रोही और दिगर अलकाब से नवाजा जा रहा है, पर क्या उन मुस्लिम नौजवानों के बारे में दो लफ्ज कहने की तौफीक आप जैसों को नहीं होती जिन्होंने MLA श्रीनिवास मूर्ति के घर के सामने मंदिर के आगे कुछ मुस्लिम नौजवानों ने दीवार की तरह खड़े होकर हिफाजत फरमाई। वाजा रहे के हजारों की भीड़ ने MLA के घर पर हमला किया था, पर कुछ नौजवानों ने कहा कि हम बेंगलोर में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं और इसी मजहबी तशद्दुद का रंग नहीं देना चाहते, लिहाजा भीड़ को आगे आने से रोका और यह वाकई काबिल तवज्जो है। आज पूरी दुनिया में इस बात का जिक्र हो रहा है कि जहां पर भी नफरत की आग भड़काई जा रही थी, वही मोहब्बत की मिसाल भी कुछ मुस्लिम नौजवानों ने दी और यही हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। ऐसी वारदातों की तरफ सियासी लीडर इसलिए भी नजरअंदाज करते हैं क्योंकि इन मामलों से इन्हें फायदा नहीं होता। लिहाजा भारत के अवाम को नफरत के एजेंडे पर चलने से रोकना होगा, जिस पर चलकर सियासी लीडर हुकूमत हासिल करना चाहते हैं। इस बार 10वीं के इम्तिहानात में बेलगाम जिला काफी पीछे चला गया है। बेलगाम चिकोड़ी ने पिछले साल 24वां नंबर हासिल किया था, पर अब 31वां नंबर
अब 31वें नंबर पर आ गए हैं। रियासत के नतीजों का फीसद 71% के कुछ ज्यादा रहा। 10वें इम्तिहानात में इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी। मदनी हाई स्कूल, बाशवान हाई स्कूल, इस्लामी हाई स्कूल ने इस साल बेहतरीन नतीजे दिए हैं। मदनी हाई स्कूल के नतीजे इस कदर हैं, शाफिया बैतुल आबिद अली सौदागर ने कुल मार्क्स 582 के साथ 93.12% हासिल किया। हमारा इम्तियाज देसाई 573 मार्क्स के साथ 91.68% हासिल किए। अल्तजीम नासिर अहमद खानापुरी 572 मार्क्स के साथ 91.52% हासिल किए। बाशवान हाई स्कूल के नतीजे भी इस तरह रहे। वबीसा बाड़े कुंदरी 586 मार्क्स के साथ 93.76% हासिल किया। अक्षा पठान 579 मार्क्स के साथ 92.64% हासिल किए। मदीहा व्यापारी 575 मार्क्स के साथ 92% हासिल किए। इस्लामिया हाई स्कूल के नतीजे इस तरह रहे। महक मुजावर 89.92%, अफसरा मुल्ला 89.28, नबील सौदागर 86.72। नबील सौदागर ने कन्नड़ में 100 में से 100 मार्क्स हासिल किए। इसी तरह बुशरा संधि ने हिंदी में भी 100 में से 100 हासिल किए। इसके लिए इन्हें मुबारकबाद। इस्लामिया अंग्रेजी मीडियम निषाद गढ़ी 90.08, बुशरा संधि 86.08%, सफिया राजगोली 80.30% हासिल की है। इसी तरह जियाद रियाज अहमद आउटी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हाई स्कूल में अव्वल नंबर हासिल करते हुए 603 मार्क्स के साथ 96.86% हासिल किए, जिसके लिए ने मुबारकबाद। एक और अजीब मामला इसी तरह दरमियान में इसी दरमियान पेश आया है। रिसालदार साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके नवासिया जो सी कैप इंग्लिश मीडियम बीजापुर में पढ़ती है, दो बहनें जो जुड़वा हैं, जिनका नतीजा भी एक जैसा निकला हुआ है, इसे क्या कहा जाए? आपको ताज्जुब होगा कि दोनों बहनों के मार्क्स भी जुड़वा ही, यानी दोनों के मार्क्स 620 हैं, 99.2% मिले हैं, जिससे ताज्जुब का मुजाहरा किया जा रहा है। इनकी नुमाया कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की जा रही है। इत्तेहाद न्यूज़ जितने भी कामयाब तलबा और तालिबात हैं, इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मैं सबा मुल्ला सी कैप की स्टूडेंट हूँ और मेरा परसेंटेज 99.2% हुआ है। हम दोनों ट्वेंस हैं। वी बोथ आर इन सेम डिवीजन, सेम क्लास सिंस आवर फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड वी आर फीलिंग सो हैप्पी टू स्कोर सच अ गुड मार्क्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िबा मुल्ला है। मेरा परसेंटेज भी 99.2 हुआ है और मैं सी कैप इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों हैं। मेरिट यह है कि हमें ज़्यादा टाइम मिला पढ़ने के लिए, लेकिन डिमेरिट यह है कि एक बार बोलते कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं और फिर बोलते कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे, तो इससे हमारा लेजीनेस भी थोड़ा ज़्यादा हो। हाँ, अभी तो फिलहाल कोविड की वजह से स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो डिसअपॉइंट मत होइए, पैनिक मत होइए। आपको आपका सभी मटेरियल मिल गया होगा तो आप पढ़ना शुरू कीजिए एंड टेक्स्ट बुक्स आर गुड बेस्ट मटेरियल, तो टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ना शुरू किए। हार्ड वर्क कीजिए, नो मैटर इफ इट सेम्स इम्पॉसिबल, नो मैटर इफ इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड नो मैटर इफ इट यू हैव टू बी अप ऑल नाइट, जस्ट रिमेंबर दैट फीलिंग ऑफ सक्सेस इज बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लियाकत अली मुल्ला। मेरे दो लड़कियां हैं और दो लड़के हैं। बड़ा लड़का BCA फाइनल ईयर और दूसरा लड़का MBBS सेकेंड ईयर में, और तीसरा क्या है, दो मेरे जुड़वा लड़कियां हैं। तो मेरे दोनों जुड़वा लड़कियां का नाम है, एक का सबा और दूसरे का जेबा बोल के। आज उनका अच्छा रिजल्ट मिला है, ये बहुत खुशी है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे घर के लिए, खानदान के लिए बहुत खुशी है।